गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम भारत के भरत, जो भारत है उसके भरत, भरत का मतलब है कि यहाँ पे एक राजा, पहले राजा भीष्म थे, उनके लड़के हैं भरत, जो सम्राट चक्रवर्ती दुष्यंत के प्रतापी पुत्र थे भरत। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कवि कह रहे कि कवि कहता है कि हम भारत सम्राट, भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली है। कवि कह रहा है कि हम जो भारतवासी है वो सम्राट दुष्यंत के जो प्रतापी पुत्र है भरत, उसके समान ही शक्तिशाली है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई भी देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार भरत शेरों के बच्चों से कहते हैं, हमारे जो भारत में जो भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र जो भरत है, जो कि के समान शक्तिशाली है, और वह शेरों के बच्चे के साथ खेलने का साहस रखते हैं, जो बच्चों के साथ है, शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी, हमारे अंदर भी साहस है, हम भी हिम्मत है हमारे अंदर भी। जिस प्रकार भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे, उनमें साहस वीरता थी, वो डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो किसके पुत्र थे? सम्राट दुष्यंत, शक्तिशाली जो सम्राट उनके पुत्र थे, और उनको बचपन में ही, जब वो छोटे से बाल्यावस्था में थे, तभी उनको जंगलों में भेज दिया गया था, और वहाँ पर ही उनको अपने आप लड़ने की शक्ति, साहस, हिम्मत, निडर का साहस दिलाने के लिए, उसके अंदर जज्बात बढ़ने के लिए राजा दुष्यंत क्या करते थे, अपने बेटे को, अपने पुत्र को जंगलों में भेज दिया करते थे कि वो शेर उनके साथ खेलते थे। देखो, वो उनके साथ शेर हो, चाहे जंगल में कितने भी कोई से भी जानवर हो, कभी भी वो अकेले जंगल में पूरा जंगल अपने आप घूमते थे, तो उसको डर नहीं लगता था। क्यों? उसके अंदर साहस, हिम्मत की भावना बना देते। हमारा देश हिंदुस्तान है जो, या हमारा देश है जो हिंदुस्तान है, इसके समान दूसरा इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहाँ पे इतने शक्तिशाली महाराजा होते थे, राजा होते थे, उनके ऐसे भी लड़के होते थे क्योंकि शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। कवि कहता है कि ऐसा एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के समान दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा देश नहीं है। भारत की भूमि में जन्म लेना ही बड़े गौरव की बात है, कि इस मिट्टी में पैदा होना ही बड़े गर्व की बात है, कि जो ये भारत, जो हिंदुस्तान है, जो इस मिट्टी है, इसमें जन्म लेना ही, पैदा होना ही एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं, और हमें जो अपने अंदर जो साहस और वीरता है, उसके जो गुण है, वो हमें किससे मिले? अपने पूर्वजों के जो विरासत, जिसको अपन बोलते हैं उपहार, अपने पूर्वजों की देन है। पूर्वज का मतलब अपने जो परदादा दादा है, आज अपन है, अपन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे ना, तो अपन में जो ये साहस जो गुण है, वो अपन को बचपन में ही दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो साहस और वीरता के जो ये गुण होते हैं, वो अपने पूर्वजों से हमें मिले हुए हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, कभी डरते कभी मरते, जीते मरते चांद से, कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कह रहा है कि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है, कि एक छोटी सी चिंगारी भी क्या करती है, जो बड़ी से बड़ी जो ज्वालाएं हैं, उनका भी डटकर मुकाबला कर लेती है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि अगर हमारे सामने छोटी सी चिंगारी भी है, कि एक छोटी सी चिंगारी भी क्या करती है, एक बड़ा ज्वाला रूप धारण कर लेती है, एक छोटी सी लड़ाई भी कितनी बड़ी दंगाई करा सकती है।
तो उसमें हमें भी क्या है, डटकर मुकाबला करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अगर अपने सामने कोई छोटी से शेर आ जाता है, अब अपन क्या करें, जाने हमें घबराना, या अपने सामने कोई भी विपत्ति आ जाती है। इसके कहने का मतलब यही है, कभी कह रहा है कि अगर आपने सामने कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या आती है, तो उसे भागना नहीं चाहिए, अपन को उसका मुकाबला करना चाहिए। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, क्या अपन देखते हैं, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। अपने जो बगीचे हैं उनमें क्या होता है कि इन बगीचों में फूल से पहले क्या आते हैं, कांटे आते हैं। अर्थात कवि क्या कह रहा है कि सफलता पाने से पहले अपने रास्ते पर बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बहुत सारा अपन को कठिनाई से सामना करना पड़ता है, उसके बाद में अपन को मेहनत या सफलता मिलती है। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं, कि अपन को बैठे बैठे यहाँ जैसे ऑफिस में या घर पे बैठे बैठे अपन कहते हैं कि भाई मेरे को तो डॉक्टर बन जाऊँ, बन जाओगे क्या, नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, थोड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। कि सोचे कि मैं भी एक बड़ा आदमी बन गया, तो बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो वही चीज़ कवि कह रहा है, हम कभी अंगारे बनकर देखते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियां फैलाते हैं। कभी तो अपन अंगारों की तरह एकदम बहुत सारा गुस्सा आ जाता है अपने अंदर कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, उसको मार दूंगा, तो अपने अंदर क्या होता है, बहुत सारा अंगारे बनकर देखते हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं ना, आग जलती है और उसके बाद उसके जो कोयला जलाते हैं उसके अंगारे अपन को धधकते हुए दिखते हैं, तो उन पर अपन के पास में भी नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार कभी कभी अपने अंदर भी बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और कभी हम फूलों की बातें खुशियाँ फैलाते हैं, और कभी कभी अपना ये मन है वो क्या होता है, फूलों की भांति खुशियाँ फैलाते हैं, खुश रहते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं, और अपने देश के लिए इस अपने देश के खातिर शान से जीते हैं और शान से ही मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है, और संसार का कोई भी देश इस हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। ठीक है, कल अपन इसका आधा लेसन पढ़ा, आधा लेसन अपन कल पढ़ेंगे। आज के जितने क्वेश्चन आंसर है वो मैं अभी लिख दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।